तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और आप यहाँ पहुँच चुके हैं खजरी खिरिया बाईपास। ये खजरी खिरिया बाईपास है और हम यहाँ से जाएंगे। ये रोड देख रहे हैं, सीधे जाएंगे। यहाँ से जाना हमको कटाव, इस पर जा रहा है कटाव। जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता है ये। कोहलपुर से आप सीधे आएंगे खजरी खिरिया बाईपास के पास। राज भैया, कितने किलोमीटर है यहाँ से कटाव? यहाँ से कटाव जो है अपना 38 किलोमीटर है। 38 किलोमीटर। और सबसे पास कौन सा पड़ेगा हम जाना है तो? अगर हमें कटाव जाना है तो हमें यहाँ से कटंगी वाला रास्ता जो है बहुत करीब पड़ता है, करीब 7-8 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ता है बाया मंझौली से। अभी हम कहाँ से जा रहे हैं सीधे? अभी हम ये NH7 हाईवे पर हैं और कटंगी बाईपास जा रहे हैं। आते हैं तो कितने किलोमीटर पड़ता है ये? अगर हम गोहलपुर से आएंगे तो करीब हमें ये पड़ेगा 53 किलोमीटर। और सर, गोहलपुर से कैसे आएंगे? गोहलपुर से आने के लिए हमें ये थाने के बाजू से अमखेरा रोड, खजरी बाईपास, तकरीबन 5 किलोमीटर हमें मेन रोड NH7 पर आना पड़ेगा। सर, अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं? अभी हम कटंगी बाईपास चौराहे पर खड़े हुए हैं। कटंगी बाईपास चौराहे में हम खड़े हुए हैं और दोस्तों, आप देख रहे हो बोर्ड हमारे सामने लगा हुआ है, दमोह, कटंगी सागर और कटाव धाम। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ कटाव घाट 44 किलोमीटर है। तो हम अपनी यात्रा यहाँ चालू करते हैं बिल्कुल सीधे, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल चलो घूमने में। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चलो घूमने में और हम जा रहे हैं कटाव धाम। ये बेलखाड़ू मार्केट है, हम बेलखाड़ू आ चुके हैं। देखिए आप, शानदार भीड़ है। और ये है बेलखाड़ू, और बेलखाड़ू से हम बिल्कुल सीधे जाएंगे, कहीं नहीं मुड़ना है हमको, बिल्कुल सीधे ही चलना है। अभी कटंगी मार्केट आएगा। कटंगी आ चुके हैं, देखिए कटंगी। हम कटंगी आ चुके हैं और हम बस स्टैंड में खड़े हुए हैं। आ चुके हैं और यहाँ कटाव 5 किलोमीटर है से सह गया है। कटंगी बिल्कुल सीधे आएंगे, गुबरा आएंगे, गुबरा से आप बोर्ड देखेंगे मझोली का, मझोली लिखा हुआ, सेवा लिखा हुआ और कटाव लिखा हुआ है। कटाव यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर है। तो और देखिए, हम कटाव धाम पहुंच चुके हैं, हम कटाव धाम आ चुके हैं और देखिए शानदार दृश्य। और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे कि हम आपको इसी तरह वीडियो बना के दिखाते रहें।
ये कटाव घाट का स्टैंड जहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं आप। और हम लोग कटाव घाट पहुंच चुके हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर राकेश पटेल, इंद्र सेन और सुरेन गोटिया जी, और हमारे साथ सहयोगी है, हमारे साथ काम कर रहे हैं राज भाई और अभिषेक भैया जी। जैसा कि आपने देखा कि हम कटाव घाट बहुत ही आसानी से पहुंच चुके हैं और जिसमें किसी भी प्रकार कोई परेशानी नहीं गई। हम आपको इसका पूरा वीडियो दिखाएंगे। देखिए, हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, बकायदा खाना पीना बना रहे हैं। आप भी आइए अपनी फैमिली को लेके और खूब एंजॉय कीजिए। घाट का आपके लिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपको ऐसे शानदार वीडियो भेज सकूं। जब तक आप हमारे बेल आइकॉन और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इतने अच्छे वीडियो कैसे देख पाओगे। और ये देखिए, सामने हमारे राम मंदिर है यहीं पर। खत्म हो चुकी है और हमारे भाई बर्तन धोते हुए सभी प्रकार काम करते हुए और सारे सहयोग देते हुए तो हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। कटाव धाम में बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत घूमा फिरा। भाइयों, पिकनिक का टूर खत्म होते हुए और हमारे भाइयों लोग बोरा बिस्तर देखिए उठा के जाते हुए अपने घर की ओर, और बहुत शानदार रहा कटाव का ये टूर। कैसा लगा आप लोगों को कटाव का टूर भैया? सुंदर टूर रहा, आप भी यहाँ आइए और एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू। और भाइयों देखो, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना।